ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जिसके पास फोन है वो खोल ले। नौवा अध्याय 30वां श्लोक। बुक्स है हमारे पास और गीता है, अगर किसी को चाहिए तो पीछे तो दे सकते हैं। वहाँ पीछे पास ऑन कर दो, मोहन दे दो पीछे। मेरे साथ रिपीट कर सकते हो। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। एक एक हम करते जाएंगे। आई विल कीप ऑन डिस्कसिंग, लेट्स सी। श्रील प्रभुपाद की भगवान यहाँ पे कह रहे हैं श्लोक में। भगवान यहाँ पे अपने भक्तों की बात कर रहे हैं। इससे पहले श्लोकों में उन्होंने अपने बारे में बात की कि मैं कौन हूं, अब अपने डिवोटीज के बारे में बता रहे हैं। और कृष्ण यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। कृष्ण के डिवोटीज कौन है? भजते माम अनन्य भाक। भगवान के भक्त कौन है? भजते मतलब जो भजन करता है। हरे कृष्ण। कैन यू जस्ट क्लोज योर फोन? सो जो भजन करता है वो भगवान के भक्त है। मगर कैसा भजन? भजन करने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, है नहीं? मतलब कई लोग भजन करते हैं अपने इच्छाओं के लिए, पूरी करने के लिए। सो उन लोगों को भगवान अपना भक्त नहीं मानते, क्योंकि वो भगवान के भक्त थोड़े ना, वो तो अपनी इच्छाओं के भक्त हैं। कई लोग भजन करते हैं भगवान का मोक्ष के लिए, सिद्धि के लिए, नहीं शक्ति के लिए। सिद्धियां चाहिए, रिद्धियां चाहिए, वो भगवान उनको अपना भक्त नहीं मानते। क्योंकि वहां पे भगवान से कोई लेना है नहीं। मोक्ष के लिए भी जो भजन करते हैं भगवान का, भगवान उनको अपना भक्त नहीं मानते, कि उनको भगवान से कुछ चाहिए। भक्ति में तो ना कुछ देना होता है ना कुछ लेना, तो प्रेम होता है बस। भगवान से कुछ लेना नहीं होता, अगर लेना तो बिल्कुल नहीं है। भक्त सबको देना ही चाहता है, लेना तो कुछ नहीं चाहता। सो भगवान कह रहे हैं कैसा कैसा मैं अपने भक्त को मानता हूं। भजते माम अनन्य भाक, जो वर्ड है अनन्य, कृष्ण कह रहे हैं मैं उसको अपना भक्त मानता हूं जो मेरा भजन अनन्य रूप से करता है। अब जो शब्द है अनन्य भाक, ये इंटरेस्टिंग शब्द है, क्योंकि अनन्य का मतलब होता है, अन्य मतलब होता है अन्य, अन्य मतलब कोई अन्य नहीं। जब भी संस्कृत में किसी चीज का नेगेटिव बनाना हो तो उसके पीछे क्या लगाते हैं आप? अ लगा दो, है नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या फॉर एग्जाम्पल क्या दूं मैं? कोई एग्जाम्पल है? भय, भय, भय मीन्स फियर, उसके पहले अ लगा दो तो क्या बन गया? अभय मीन्स फियरलेसनेस, सिंपल हो गया। या ज्ञान का उल्टा क्या हुआ? अज्ञान। तो उसी प्रकार अन्य का उल्टा क्या हो गया? अनन्य या अन्य? नहीं, अनन्य होगा, क्योंकि क्योंकि संस्कृत का एक रूल है कि अ से पहले आप अ दोबारा नहीं लगा सकते, वरना बोलोगे कैसे? अन्य का उल्टा क्या हुआ? अन्य, तो बोल नहीं पाओगे ना, इसलिए वो बोलने के रूल से उसमें न लगा देते, तो अनन्य बन गया, समझ गए? तो वो ये रूल है। तो अनन्य मतलब जहां कोई अन्य अभिलाषा नहीं है, अन्य का उल्टा हो गया, कुछ भी नहीं है। हम भगवान से कुछ नहीं चाहते, हम भगवान से सुख शांति भी नहीं चाहते, हम कुछ भी नहीं चाहते। अगर भगवान आके कहेंगे आपसे कुछ चाहिए, भगवान का तो स्वभाव है देना, है नहीं? भगवान तो आके कहेंगे तुम कुछ मांगो, कुछ लो, तो डिवोटी क्या कहेगा?
डिवोटी क्या कहता है भगवान से, भगवान ने गोपियों को बोला गोपियां तुम्हें कुछ चाहिए, गोपियों ने क्या बोला भगवान को, गोपियों ने बोला वैसे तो भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर अगर आप बहुत फोर्स ही कर रहे हैं, आप देना ही चाहते हैं, तो हमें आप एक ही चीज दीजिए। क्या मांगा था उन्होंने? उन्होंने कहा भगवान हम आपको ही मांगते हैं, हमें आप ही चाहिए, आप ही चाहिए मतलब प्रेम है नहीं, एक ही बात है, हमें तो आप ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो दैट इज डिवोटी अनन्य, हमें कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, हमें कृष्ण मतलब भगवान का आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, लोग तो आशीर्वाद के पीछे होते हैं ना, हमें भगवान ही चाहिए, दैट्स द होल पॉइंट। जैसे माता पिता होते हैं अपने बच्चे से नहीं कहते बेटे तू एक बार शक्ल दिखा दिया कर, यही कहते हैं ना, मतलब जो चला जाता है दूर है, जैसे अमेरिका भी गया होता तो यही तो कहते हैं, वो बच्चा कहते हैं पापा फोन पे बात कर लेंगे, नहीं या वीडियो कॉल कर ले, है नहीं शक्ल दिखा दे तू बस, पापा को चाहिए आपको अमेरिका से, नहीं तू शक्ल दिखा दिया कर, यही होता है, उसको कहते हैं प्रेम। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान चाहिए, उसको कहते हैं भक्ति, कृष्णा उसको भक्त मानते हैं, कृष्णा उसको भक्त मानते हैं जिसको केवल, कृष्णा कह रहे हैं जिसकी अभिलाषा सिर्फ मैं हूं, जो मेरे में जीता है मैं उसमें जीता हूं, जिसका मन मुझ में लगा है उसका उसमें मेरा मन लगा है। सो दैट्स अ डिवोटी। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है, अब इस लेवल का डिवोटी बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी हैबिट पड़ी हुई है कुछ ना कुछ मांगने की, एक गंदी आदत है ना हमारी, हम कई जन्मों से इस आदत से मजबूर हैं, कुछ ना कुछ चाहिए हमें हर चीज में, उसके बिना हमारा खाना हजम नहीं होता है, नहीं यू नीड समथिंग, वरना उसके बिना माइंड कहता है मैं करूं ही क्यों, क्यों करूं मैं काम अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा, एटलीस्ट अगर मैं, चलो मान लीजिए आप किसी की मदद कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको इतनी आशा तो होती है कि वो आपका आदर करे, इतना तो है ही, वे आपने किसी की मदद की आज, ऐसे हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट आते हैं, आपने हमने मेरे हॉस्पिटल में तो चैरिटेबल आते थे तो मदद करता था, तो इतना तो था कि भी आदर दे, ऐसा तो नहीं है कि मैं उसकी मदद की मुझे गाली देकर चला जाए, नॉनसेंस यार। तो कुछ आशा जरूर है वहां पे, रिस्पेक्ट की भी आशा है, अब आशा तो है, मगर भगवान के भक्त ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी आशा नहीं होती। भगवान के भक्त कहते हैं कृष्णा अगर आप हमें सुख शांति नहीं दे तो भी चलेगा, अगर आप हमें आदर नहीं आते तो भी चलेगा, अगर आप ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि सारी दुनिया हमें गाली देगी और भगवान ही आपको बोले देख मैंने ही ऐसा अरेंजमेंट किया, तब भी हम भक्ति करने को तैयार है, तब भी हम कहेंगे कृष्णा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे भी हैं हम आपको छोड़ नहीं सकते, प्रॉब्लम नहीं है। ये माता पिता ऐसे ही होते हैं ना, बच्चा जैसे ही होता है माता पिता छोड़ सकते हैं उसको, अब बच्चा गंदा होता है, बच्चा बहुत, कभी कभी तो बच्चे बहुत प्रॉब्लम्स कर देते हैं पेरेंट्स के लिए, है नहीं करते है, नहीं करते हैं, उसने चोरी कर ली, जेल चला गया, ड्रग्स पी लिया, मार दिया, पेरेंट्स फिर भी उसको छोड़ नहीं पाएंगे, कहेंगे चल जैसा भी है अपना बच्चा ही है, नहीं ऐसा ही है। तो भगवान भी अगर मान लीजिए आपकी बेइज्जती करा दें, कुछ उल्टा फुल्टा कर दें, फिर आप कहोगे चलो जैसे ही है, कृष्णा तो हमारे ही, हम छोड़ नहीं सकते, उसको कहते हैं प्रेम। व्रजवासी है, व्रजवासी कृष्ण को छोड़ नहीं सकते, कृष्णा व्रजवासी को छोड़कर चले गए द्वारका और व्रजवासी को इतना दुख मिला, फिर उन्होंने कहा चलो जो भी है हमारे कृष्णा खुश रहे, हम तो ये चाहते हैं, तो अब जैसा भी है। तो ऐसा स्टैंडर्ड का भक्त बनना या कोई प्रॉब्लम नहीं, जगह है आगे आ जाओ बैठने में, ओके। सो ऐसे स्टैंडर्ड का डिवोटी बनना बहुत मुश्किल है, मानते नहीं मानते हो, है नहीं? कृष्णा कर देंगे वैसे, कृष्णा टेस्ट जरूर करते हैं, आपको कहे भगवान कुछ नहीं चाहिए, भगवान कहेंगे रैली ठीक है अब मैं परीक्षा लेता हूं,
सब भगवान की भक्ति कर रहे होगे, भगवान जानबूझ के प्रॉब्लम्स भेज देंगे आपकी लाइफ में। प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आप भगवान के पास जाओगे, भगवान प्लीज प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। भगवान ने कहा देखा मैंने कहा था ना तो मेरे पास आओगे, देखो कुछ मांगने तो फेल हो गए। सो बट पता है क्या है, डिवोटी भगवान से कुछ नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता डिवोटी? क्यों नहीं मांगते हम? क्यों नहीं चाहिए हमें भगवान से कुछ? क्योंकि पता है डिवोटी के माइंड में क्या होता है, एक डिवोटी के माइंड में होता है कि कृष्णा क्या कह रहे हैं, सुहृदम सर्व कृष्णा कृष्ण। डिवोटी को पता है कि कृष्ण को, कृष्ण भगवान को कल्याण करने के सिवाय कुछ आता ही नहीं, कर ही नहीं सकते। उनको भगवान एडिक्ट है, पता है, ऐसे हम लोग एडिक्ट है ना सबका अहित करने में, घूम फिर के दो ऐसे आ जाते हैं एडिक्ट, है नहीं? हमारा तो ऐसे ही चलता है नॉर्मल लोगों का, भोग करने से एडिक्ट है, स्वार्थ से एडिक्ट है। भगवान की हैबिट है, भगवान दूसरों के कल्याण के बिना रुक नहीं सकते, स्वभाव ही है उनका। बस तुम्हें पता है ना भगवान की नेचर, इसलिए भगवान से कुछ मांगते हैं, हमें पता है। कृष्णा आदत से मजबूर है, कृष्णा किसी को अपने घर से खाली हाथ जाने नहीं देते, मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप जो भी इस प्रोग्राम में आके बैठे हो, भगवान के बारे में सुन रहे हो, भगवान आपको यहां से खाली हाथ जाने नहीं देंगे, कुछ दे के ही भेजेंगे आपको, चाहे आपको चाहिए नहीं चाहिए, कृष्णा ऐसे हैं। सो डिवोटी को पता है, डिवोटी को भगवान का स्वभाव पता है, इसलिए ठीक है हम क्यों मांगे फालतू में। ओके, एक तो एक पॉइंट हो गया क्लियर, मगर भगवान यहां पर दूसरा पॉइंट उठा रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर कोई भगवान का डिवोटी है मगर हो सकता है अपिचेत सुदुराचार हो, मगर दुराचारी है, अब ये कैसे पॉसिबल है? कृष्णा कह रहे हैं कि भाई ठीक है ऐसा डिवोटी, मगर कभी कभी क्या है, कभी कभी हो सकता है उससे कुछ गलत काम हो जाए लोगों की नजरों में, हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो फिर क्या होगा? अपिचेत सुदुराचार हो, कृष्णा कह रहे हैं अगर सुदुराचार काम हो जाए मेरे डिवोटी से, तो आप क्या उसको भगवान का भक्त मानोगे नहीं मानोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर आए, मंदिर में कोई डिवोटी बहुत गुस्सा कर रहा है, हो सकता है कहोगे तो देखो ये तो इतना गुस्सा करता है, इसको तो क्रोध पे कंट्रोल ही नहीं है, ये काय का भक्त है? ऐसे ही होगा ना। या आप किसी मंदिर जाओ, मंदिर में कोई डिवोटी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, आपको ये कहां का भक्त है, इसको तो अपनी इंद्रियों पे वश नहीं है। क्लियर है नहीं? क्लियर है। सो लोगों की नजर में तो अच्छा काम नहीं कर रहा वो, ये कैसा भक्त है? कृष्णा कह रहे हैं अगर कोई मेरा डिवोटी है और उसमें कोई दुर्गुण भी दिखाई दे तो क्या मानना चाहिए, उसको भक्त मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, क्या कहते हो? कृष्णा कह रहे हैं कि चाहे दूसरे लोग उसको भक्त नहीं माने, मैं उसको भक्त मानता हूं। साधुर एव स मंतव्य, मंतव्य मतलब मैं मानता हूं, चाहे दूसरे मानते हो नहीं मानते, मैं उसको साधु मानूंगा। चाहे बाहर के लोग कहें कि भैया ये तो जाति भक्त है, क्रोध कर रहा है, खाता पीता है, सोता रहता है, ये कहां से साधु है? वेल, कृष्णा कह रहे हैं मैं उसको साधु मानता हूं। क्यों? दुर्गुण होते हुए भी कृष्णा उसको साधु मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर है, वो नया है, कमजोर है, मगर आप उससे पूछोगे तुम्हें कृष्ण चाहिए, कहेगा मुझे कृष्ण ही चाहिए, तभी मैं यहां पे बैठा हूं। हाँ, मेरी आदतें खराब है अभी, मुझे पता है, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी लाइफ को शुद्ध करूं और भगवान को प्राप्त करूं। भगवान कह रहे हैं मैं उसको साधु मानता हूं। तो साधु कौन है? साधु कैसे डिसाइड होगा? साधु डिसाइड होगा लक्ष्य से, दैट्स द होल पॉइंट। अगर आपका लक्ष्य क्लियर हो तो आप साधु हो, चाहे आपका चरित्र भी ठीक नहीं है इतना, क्योंकि लक्ष्य क्लियर है तो समय के साथ चरित्र भी ठीक हो जाएगा, मैं भक्त बन जाओगे। भैया अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो पास तो हो गई, एक बार यूनिवर्सिटी में घुस गए ना, आपका आईआईटी में एडमिशन हो गया,
एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, पास तो ही जाओगे, है नहीं? तो कृष्णा कह रहे हैं एक बार जो मेरे पास आ गया शुद्ध भाव से केवल मुझे प्राप्त करने के लिए, उसमें हो सकता दुर्गुण हो मगर मैं उसको साधु मानूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी वो शुद्ध हो जाएगा क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को देखना हो, जज करना हो कि वो डिवोटी या नॉन डिवोटी, तो लक्ष्य से देखो, क्योंकि कई लोग उल्टे भी होते हैं, कई लोगों का चरित्र बहुत अच्छा होता है मगर लक्ष्य अंडा, बहुत अच्छे होंगे, सबको अच्छा होगा, फिर आप उनसे बात करो कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, नहीं जीवन का लक्ष्य तो ठीक है हम अच्छे आदमी बने बस, ठीक है भगवान, भगवान पिक्चर में ही नहीं है, या हमारे जीवन का लक्ष्य हम भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें, सुख शांति से रहें, लक्ष्य में गड़बड़ है, बिजनेस कर रहा है भगवान से। सो कृष्ण कह रहे हैं कि कंफ्यूज मत हो, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी, मतलब दुराचारी मतलब इन द सेंस की जानबूझ के दुराचारी नहीं है, बैड हैबिट्स तो होती है ना सब में। अभी आप भक्ति में आए हो, मतलब आप लोग सब लोग भक्ति कर ही रहे हो, है नहीं, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बुरी आदतें तो होंगी कुछ ना कुछ, कुछ तो है या नहीं, या बहुत सारी हैं या बहुत कम है? बहुत सारी हैं, बट एक अच्छा गुण है कि आपको पता है कि आप इससे छूटना ये तो चाहते हो इतना, और आपको ये भी पता है आप क्या चाहते हो, कृष्ण को चाहते हो नहीं चाहते हो, ये तो है लाइफ का। बस ये कृष्णा कह रहे हैं तुम साधु, हाँ ये बात है कि अभी परफेक्ट नहीं हो, वो भगवान नहीं कह रहे परफेक्ट हो। ऐसे शीला प्रभुपाद एक बार बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे में सारे फॉरनर्स थे ना हिपीस, तो डिवोटीज तो बनी गए थे सब लोग फॉरनर्स, तो बॉम्बे में आए तो एक गुजराती मिलने आया प्रभुपाद से, तो जब आया बॉम्बे में तो वहाँ वो जो दो फॉरनर्स बाहर खड़े थे प्रभुपाद के रूम के सामने, और गुजराती आया तो वो दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, उसने उसका कॉलर पकड़ा, उसका कॉलर पकड़ा है, तो कह रहा है मैं देख लूँगा, वो कह रहा है मैं देख लूँगा, तो गुजराती तो पीछे हो गया, उसने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मतलब पूछे भी कैसे अंदर जाएंगे, उसको पड़ जाएगी, होते भी लंबे चौड़े हैं लोग, वो 6-6 फीट के थे, और वहाँ लड़ाई शुरू हो गई, उसने उसको घूसा मारा, उसको मारा, फिजिकली लड़ाई शुरू हो गई, तो वो लड़ रहे थे, गुजरात के अंदर चला गया प्रभुपाद के पास, उसने कहा देख, उसने प्रभुपाद को कंप्लेन की, प्रभुपाद जी देखिए आपके भक्त लड़ रहे हैं, ये तो नॉनसेंस है, ये कैसे भक्त हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, कि तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? प्रभुपाद ने कहा कि आश्चर्य तो आश्चर्य की कोई मुझे आश्चर्य इस बात की नहीं कि वो लड़ रहे हैं, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि लड़ने के बाद भी भक्ति कर रहे हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? फिर भी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति छोड़ नहीं रहे, भगवान को छोड़ के नहीं जा रहे। प्रभुपाद ने एक बार और कहा था कि मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं है कि कितने सारे लोग मंदिर छोड़ के चले गए थे ना बहुत सारे लोग, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि बाकी लोग मंदिर में बचे कैसे हैं, भक्ति कैसे कर रहे हैं, नहीं वो मंदिर में रहकर इतनी बैड हैबिट्स होने के बाद ही भक्ति कर रहे हैं, आप उल्टा देखोगे तो समझ आएगा, मतलब भक्ति कर रहे हैं और बुरी आदतें हैं वो एक ऐसे देखना है, आप उल्टा देखो ना, इतनी बुरी आदतें होने के बाद ही भक्ति कर रहे हैं, इमीडिएटली आपको एप्रिसिएशन आ जाएगी, है नहीं? वो वही बात हो गई ना कि एक चर्च में एक प्रीस्ट था, तो एक व्यक्ति आया, तो उसने प्रीस्ट से पूछा कि भैया ऐसा है कि मैं भक्त बनना चाहता हूँ आपके यहाँ, तो उन्होंने कहा बन जाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भक्त बन रहा हूँ, तो मुझे बताइए प्रीस साहब कि मैं भक्त बन के सिगरेट पी फूक सकता हूँ? उन्होंने कहा पागल हो गया तू, अगर भक्त बन जाएगा चर्च में आ जाएगा तू तो फिर सिगरेट थोड़ी ना पीना चाहिए, तुझे छोड़ना पड़ेगा सिगरेट, चर्च में आ गया सिगरेट नहीं पी सकता तू, तो चला गया दुखी हो गया। फिर अगले दिन आया वो भेष बदल के, उसने प्रीत से पूछा कि प्रीत साहब मैं सिगरेट पीता हूं बहुत ज्यादा, चर्च आ सकता हूं? प्रीत ने कहा सब आ सकते हैं चर्च, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू सी द पॉइंट, बात एक ही है, पहले वो कह रहा था भाई कि तू चर्च में आ रहा था सिगरेट नहीं पी सकता,
वो कह रहे मैं सिगरेट पी सकता हूँ, पीता हूँ, आदत लगे चर्च आ सकता हूँ। उसने कहा चर्च आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, आते रहो, सिगरेट छूट जाएगी। उसी द पॉइंट, एक ही बात है, आप दूसरे एंगल से देख रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि ये डिवोटी है, इतने सारे बुरी आदतें हैं, कैसा डिवोटी है, आपको बहुत, आपको लगेगा कैसा गंदा आदमी। अब उल्टा सोचो, इतनी सारी बुरी आदतें हैं फिर भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को रोक कर कोशिश कर रहे हैं। इमीडिएटली आपको एप्रिसिएशन आ जाएगी। प्रभुपाद के जितने भी महान लोग सब ऐसे ही होते हैं। वो भी कह सकते हो उसकी हेल्प करने के लिए। सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर। तो ठीक है, हमारे में बैड हैबिट्स हैं, हु सेज बैड हैबिट्स नहीं है, पर कृष्ण कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये धीरे धीरे साधु, मैं इसको साधु मानूंगा। क्यों? सम्यक व्यवसितो ही सह। सम्यक मतलब बहुत जल्दी, व्यवसितो मतलब दोबारा से सही रास्ते पे आ जाएगा। धीरे धीरे उसकी बैड हैबिट्स चली जाएंगी, मैं उसकी मदद करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों चली जाएंगी? क्योंकि उसका लक्ष्य ठीक है भाई। गोल तो ठीक है ना, पटियाला की तरफ जाना है, पटियाला की तरफ ही जा रहा है, कोई अंबाला की तरफ थोड़े ना जा रहा है। लक्ष्य तो ठीक है, चाहे धीरे ही चल रहा है, क्या हो गया, सही गोल पे तो जा रहा है। बाकी लोग तो सुपर स्पीड से चल रहे हैं मगर उल्टी तरफ चल रहे हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट? सो कृष्णा इसलिए अगले श्लोक में कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अगर मेरा डिवोटी, अगर हम लोग जैसे हम डिवोटीज हैं, अगर हम भक्ति करते रहे, हमारे में भी बैड हैबिट्स हैं, कृष्णा कह रहे हैं घबराओ मत, जब करते वक्त तुम्हारा मन भागेगा डरो मत, बुरी आदतें हैं डरो मत, लगे रहो बस। जैसे आज निर्जल एकादशी है, तो आप चलो ठीक है, आप कहोगे यार एकादशी है, कोई नहीं, अगर आप इस साल एकादशी में अगले साल कर लेना, उसमें क्या होगा, लगे रहो बस। कृष्णा कह रहे हैं बस मेरे पास, मेरे को लक्ष्य बना के चलते रहो। कृष्णा कह रहे हैं अगर कोई ऐसा करता रहेगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी, भक्ति मतलब होता है, धर्मात्मा मतलब महात्मा बन जाएगा बहुत जल्दी। मैं उसको पर्सनली धर्मात्मा बनाऊंगा, मैं उसके हृदय में प्रवेश करके उसकी सारी बुरी आदतें खत्म कर दूंगा। मैं हूं ना उसके साथ, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, बस भगवान का ही है। ठीक है, तुम्हारा मन तंग कर रहा है, तुम्हें लोग तंग कर रहे हैं, फिर भी तुम मेरे साथ हो ना, तुम अपना फेथ दिखा रहे हो मुझ पे, तुम अपनी श्रद्धा दिखा रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। और मैं तुम्हारे हृदय में जाकर सब कुछ साफ कर दूंगा, तुम्हारा हृदय, तुम्हें महात्मा बना दूंगा। कहां हम लोग एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह जी रहे हैं, मतलब लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं एलो और गैलो, आते हैं और जाते हैं कीड़ों की तरह संसार में, आते हैं मर जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। भगवान महात्मा बना देंगे अपने डिवोटी को। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, शश्वत शांतिम निगच्छति। कृष्णा कह रहे हैं जब वो धर्मात्मा बन जाएगा तो शश्वत मतलब शाश्वत, जो ना खत्म होने वाली शांति निगच्छति, उसको शांति मिलेगी जो कि नित्य शांति, उसका मन शांत होगा। शांति जहां है वहां सुख है, वहां सुख है वहां संतुष्टि। भगवान कह रहे हैं मैं उसको दूंगा। आप देख रहे हो, भगवान से नहीं मांगोगे आपको सब कुछ मिलेगा। आप भगवान से मांगोगे तो फिर क्या होगा, तो वो भी नहीं मिलेगा। आप देख लेंगे, कृष्णा खुद कह रहे हैं कि अगर कोई मुझसे मांगता है कोई चीज, अब मुझे पता है संसार की चीज तो उसका हाम ही करेगी, फंसा देगी उसको, तो वो बेवकूफ है तो मैं थोड़ा ना बेवकूफ हूं, मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी तो फिर वो तो है बेवकूफ। लोग कहेंगे भाई ये भी बेवकूफ है। इसलिए आप कृष्ण से कुछ भी मांगोगे, संसारी चीज भगवान पूरी नहीं करेंगे। भगवान तो वो करेंगे जिससे आपका कल्याण है। सो कृष्णा धीरे 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 आपकी गंदी आदतें हटा देंगे और धीरे धीरे आपका हृदय शुद्ध कर देंगे, और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो शांति मिल गई, बस दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। फिर ऐसे अभी जैसे आप देख लो, अभी इतनी गर्मी है नहीं, गर्मी है, ऊपर से निर्जल एकादशी। अब वैसे तो चलो
आप निर्जल एक मुझसे एक्चुअली अमेरिका से फोन आया था आज मेरे पास कैलिफोर्निया से, डिवोटी हैं ऐसी माता जी हैं, फोन करके मुझसे पूछ रही थी क्वेश्चन, तो मुझे एक चीज़ पूछनी है, मैंने कहा बोलो। तो कहती है कि देखिए हम निर्जल एकादशी के दिन क्या करें, पानी ना पिए या पानी पी लें या फ्रूट्स खा लें। तो मैंने कहा यार तुम तो कहाँ बैठी हो, कहती है कैलिफोर्निया में। मैंने कहा पहली बात तो वहाँ पे गर्मी होती नहीं इस पॉइंट आज इस अभी इस महीने, दूसरी बात है तुम तो एसी में बैठोगी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है निर्जल एकादशी करने में, हमसे पूछो पहले तो हमें फोन कर रही हो ना, हम बैठे हैं बद्री का आश्रम में जहां लाइट भी नहीं है और वहां निर्जल एकादशी करनी है, तो क्वेश्चन तो हमसे हमें हमारे पास आना है, तुम्हारे पास आना है, तुम्हारे पास ऑब्वियस है, तुम्हें तो पानी पीना नहीं, पानी की शक्ल भी नहीं देखनी, तुम तो आराम से बैठ जाओ। सो पॉइंट ये है कि अब प्रॉब्लम यह है ना कि भैया आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां, आप पानी नहीं है, प्यास लग रही है, फिर भी आपको निर्जल करना है। चलो हमारे यहाँ तो चलो फिर भी ठीक है, मिट्टी की बनी हुई है कुटिया है, अब कोई ऐसे कोई गांव में रह रहा है कहीं, इसके पास घर भी नहीं है बेचारा गरीब आदमी, अब उसको निर्जल एकादशी करने कैसे रखेगा। सुदामा का क्या कहते हो, बेचारे गरीबी थे, खाने को भी नहीं था, और क्या सुदामा निर्जल एकादशी करते थे? ऑफ कोर्स करते ही जहां हम कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कैसे करते हैं डिवोटी से, ना खाने को ना पीने को ना घर, इतनी धूप में फिर भी निर्जल करते हैं कैसे, हाउ डू डू दैट? क्योंकि उनको माइंड में एक चीज पता है, अगर आपको पता है तो आप भी आराम से कर जाओगे, आपको नहीं पता तो नहीं कर सकते, बस उसकी ट्रिक है। कोई बताएगा क्या ट्रिक है? भक्त को पता है वो ट्रिक, भगवान की प्रसन्नता के लिए। चलो ठीक है, हाँ वो डिटर्मिनेशन कैसे आती है डिवोटी में, यही क्वेश्चन है ना। चलो अभी तो एक ही दिन निर्जल है, अगर आपसे बोलूं 3 दिन रहना बिना पानी के, बताओ तो डिटर्मिनेशन, अब मुझे बताओ। ध्रुव जंगल में चले गए 1 महीना बिना पानी बैठे हैं ध्यान में, वो लोग कैसे कर रहे हैं? चलो हमारा तो छोड़ो, एक दिन तो चलो मर कट के हो ही जाता है, बट हाउ डू डू दैट? महान लोग कैसे करते हैं? 10-10 दिन 20-20 दिन बैठ जाते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, कोई होश ही नहीं है, कैसे कर रहे हैं वो? हाँ कोई सिंपल लॉजिक, सिंपल क्या सोच, कुछ सोच रहे ना वो माइंड में जिससे वो कर पा रहे हैं। ओके भगवान के लिए कर रहे हैं, मैंने मान लिया भगवान, ये आंसर ठीक है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, दैट्स ओके, ये एक आंसर ठीक है। बट पता है डिबोटी क्या सोचता है, ऐसे हम अभी तो हमें तो गर्मी लग रही है यहां पर, चलो भी ठीक है, प्यास लग रही है, मगर हम क्या सोच रहे हैं, कृष्णा कहाँ हैं? शरीर वरी छोड़ दो अभी भगवान के बारे में, कृष्णा कहाँ हैं अभी? अपने धाम में है नहीं है भाई, पास टाइम लीला तो खत्म हो गई, अब तो धरा धाम पे खत्म हो गई, अब तो अपने धाम में ही है। भगवान के धाम में क्या है? भगवान के धाम में तो आराम से बैठे हैं ना भगवान, उनकी तो उनको तो खाना पीना मिल रहा है, आराम से खुश हैं, एनवायरमेंट भी अच्छा है वहां। हमें पता है भगवान के धाम में तो ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, हमेशा बसंत रहती है। सो कृष्णा आराम से बैठे। अब एक डिवोटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कृष्णा, कृष्णा नहीं, डिवोटी इसी ये सोच सोच के खुशी होता रहता है कि हमारे कृष्णा को कोई तकलीफ, उनको आराम से खाना पीना मिल रहा है, उनकी सेवा हो रही है, आराम से बैठे, पर इसी ये सोच सोच के ये खुश होते होते वो सब कुछ भूल जाते हैं, कोई परवाही नहीं, हमें क्या लेना देना अपनी प्यास से अपनी गर्मी से, हमारे स्वामी खुश है ना, अब वो हैप्पी हैं, वो कोई तकलीफ नहीं है, उनको तकलीफ नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। इसलिए जितने भी महान भक्त हैं वो ये इसी एक विचार से वो तपस्या कर जाते हैं। और संसार में भी ऐसे ही होता है,
नॉर्मल पेरेंट्स भी कर जाते हैं, नहीं कहीं कहीं पेरेंट्स होते अपने बच्चों को लोन दे के नहीं भेजते अमेरिका, राजपुरा में भी हैं, मैं पास आया था, उसने अपना लोन लेके बच्चे को अमेरिका भेज दिया, यहाँ पे बेचारा वो लोन ही चुका रहा है, उसका बच्चा वहाँ है, उससे पूछो क्या आप खुश हैं, क्या कहेगा वो, कहेगा हमारा बच्चा खुश है, हम खुश हैं, यही है ना, हमारा बच्चा, अगर हमारा बच्चा सेट हो गया वहाँ पर, चल ठीक है हम खुश हैं। अब भाई वो तो राजपुरा में पढ़ा है, ना उसके पास एसी है ना कुछ है, उसका बच्चा फोन कहेगा चलो पापा मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं सेट हूँ, मैं शादी भी करने वाला हूँ फॉरेनर से, हाँ चलो गुड गुड नाइस, और मैं कमा भी रहा हूँ डॉलर्स में, यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, सब एसी वैसी है, तो पेरेंट्स बस ये सुन के खुश हो जाएंगे, यानी चाहे वो यहाँ पे सट्राव कर देंगे, दैट्स हाउ इट गोज। तो प्रेम यही चीज़ होती है, प्रेम क्या होता है, प्रेम प्रेम का स्वभाव है कि वो अपने आप को भुला देता है, प्रेम का स्वभाव है कि वो केवल प्रेमी के बारे में चिंतन कराता है और प्रेमी के सुख में सुख ढूंढता है, प्रेम अपने सुख में सुख नहीं ढूंढता, ये प्रेम है। इसलिए डिवोटीज जो है आराम से कर लेते हैं क्योंकि उसको पता है हमारे कृष्णा खुश हैं। इसलिए पता है एक बहुत बड़े अलवार हैं, बहुत बड़े भक्त साउथ इंडिया में, तिरुमंगा अलवार, वेरी फेमस साउथ इंडिया जो, तो वो अपने ध्यान में बैठे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो भगवान ही आने लगे, वैकुंठ धाम से आने लगे, तो अलवार ने आंख खोली और अलवार ने भगवान को बोला, भगवान प्लीज मेरी प्रार्थना, आप चले जाइए यहां से। भगवान ने कहा मैं तुम्हें दर्शन देने आ रहा हूं। मैंने कहा नहीं भगवान आप प्लीज चले जाइए, क्योंकि भौतिक संसार में बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं चाहता कि आप इस गंदे संसार में आए, आप अपने वैकुंठ धाम में रहिए। अब क्या कहते हो, ये भक्ति है क्या, क्या मुझे क्या क्या कहते हो आप, ये भक्ति है नहीं, क्या ये भक्ति है, भगवान हमें दर्शन दीजिए प्लीज आ जाइए राजपुरा में, यहाँ पे गर्मी हो रही है, हम भी सड़ रहे हैं, आप भी सड़े। नाउ व्हाट इज, इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग। मतलब डिवोटी कह रहे भगवान अपने वैकुंठ धाम में बहुत खुश हैं, वहीं रहिए, आप तकलीफ मत दीजिए मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए आपको तकलीफ देनी पड़ रही है ना, अपने धाम से चल के आ रहे हैं लोग मेरे लिए, आप मेरे लिए इतने घटिया इंसान के लिए चल के आ रहे हैं, आप प्लीज आप चिंता मत कीजिए, आप वहीं रहिए, ये भक्ति है। अगर आपको तकलीफ हो रही है मुझे दर्शन देने में, आप मुझे दर्शन मत दीजिए, चाहे करोड़ों जन्म हो जाए मुझे नहीं चाहिए। गोपियों ने भी तो ये कहा भगवान को, जब भगवान गाय चराने जा रहे थे, गोपी गीत में है नहीं, गोपी गीत में त्रिनाचिरानुगम क्या है वो श्लोक, तप्त जीवनम, गोपियां गा रही हैं कि हे कृष्णा आप वन में चराने गए हैं गाय, मगर हमें बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि आपके कोमल चरणों में कांटे चुभ रहे होंगे, क्योंकि भगवान जब गाय चराने गए तो यशोदा माँ ने बोला कि कृष्णा तुम चप्पल पहन लो, कृष्णा ने कहा मैं कैसे पहन लूँ जब मेरी गाय नहीं पहन रही, बिना चप्पल के चले गए। तो जो वृंदावन की भूमि है, ब्रज भूमि, अब वो भी डिवोटी है नहीं, वृंदावन की भूमि तो ब्रज भी तो डिवोटी है, ब्रज ने देखा कि हमारे कृष्णा तो नंगे पैर आ रहे हैं तो कांटे चुभ जाएंगे, गाय ने भी देखा कृष्णा तो नंगे पैर जा रहे हैं, तो गायों ने क्या किया, गायों ने कृष्ण से पहले जाके सारे पैर पैर मार के वो, इसलिए वृंदावन जाओ बहुत सॉफ्ट है, डस्ट आप देखो, आप गोवर्धन परिक्रमा करो बहुत सॉफ्ट है, उन्हें पैर मार 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 के सॉफ्ट कर दिए, और व्रज भूमि ने फिर उसके बाद सारे कांटे सारे वो अंदर खींच लिए, कृष्ण को एक दिन आ चुके। फिर भी गोपियां अपने घर में बैठ के वो रो रही हैं, क्यों रो रही हैं, ये सोच के कि शायद कहीं एक कांटा ना लग जाए भगवान को, क्योंकि आफ्टर ऑल नंगे पैर गए हैं, दैट्स कॉल्ड डिवोशन, उनको अपने दुख का कोई स्मरण ही नहीं है। ऐसे राम भगवान जब उनको वनवास मिला था तो राम भगवान खड़ाऊ पहन के नहीं कहते हैं, नहीं खड़ाऊ तो किसको दे दी थी उन्होंने, भरत को दे दी थी, नहीं भरत मांगने आए थे ना, तो भगवान ने अपने खड़ाऊ भरत को दी, भरत उनकी खड़ाऊ रख के ही तो राज्य कर रहे थे, उन्होंने कहा खड़ाऊ राज्य करेंगी, मैं तो नंदी गाँव में रहूंगा, भगवान के पास खड़ाऊ नहीं। लक्ष्मण ने भी देखा, राम भगवान ने अपनी खड़ाऊ छोड़ दी, लक्ष्मण ने भी छोड़ दी, और सीता देवी ने भी छोड़ दी अपनी चप्पल, तीनों नंगे पांव,
और कई कई कवि, तुलसीदास, कंबन रामायण, वाल्मीकि जी, सब लोग लिख रहे हैं कि सारे ऋषि मुनि, सारे देवी देवता बहुत दुखी थे कि राम भगवान नंगे पांव जा रहे हैं, उनके पैर में कांटा न चुभ जाए। आप देख रहे हो, इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति भगवान के बारे में सोचना, भक्ति अपने बारे में सोचना नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो तो भोग है। इसलिए भक्तों के साथ रह के ये चीज समझ आती है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि वेल शश्वत शांतिम निगच्छति, अगर कोई केवल मुझे चाहता है तो वो उसका मन शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को भूल जाएगा इस प्रोसेस में, अपने आप को भूल गया, उसको परवाही नहीं है। हमें खाना मिले नहीं मिले एक ही बात है, हमारे कृष्ण को खाना मिल रहा है ना, बस कृष्ण की सेवा हो रही है ना। हमें गर्मी लग रही है नहीं लग रही है एक ही बात है, हमारे कृष्ण तो आराम से हैं, यहाँ पे हैं या अपने धाम में, चलो यहाँ पे अपने धाम में तो है। सो दैट्स हाउ डिवोटी इज, इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं शांति। शास्त्रों में, भगवद गीता में जहां भी शांति वर्ड इस्तेमाल किया उसका मतलब होता है प्रेम। शांति का मतलब शांति, मगर शाश्वत शांति मतलब वो शांति जो कभी खत्म नहीं होगी, वो तो केवल प्रेम में ही संभव है। जब तक प्रेम नहीं है तब तक आपकी कोई भी शांति आएगी वो शांति आएगी जाएगी, वो हमेशा से नहीं रहेगी। शाश्वत शांति मतलब क्षति कौनते अप्रति जाना ही, भगवान शपथ ले रहे हैं यहां पर, हे कुंती पुत्र ये जान लो, मैं शपथ लेता हूं ना मैं भक्ता, मेरे भक्त का कभी भी नाश, कैसे भक्त का, अनन्य भक्त, जो मैंने अभी बताया है अनन्य भक्त, वो डिवोटी अपने बारे में नहीं सोचता, उसको कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि उसको पता है भगवान, वो भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान उसका स्मरण कर रहे हैं, बस उसको पता कोई प्रॉब्लम नहीं है इस संसार में, उसके साथ कृष्ण है, जहां कृष्ण है जहां भक्त है अनन्य भक्त, वहां तत्र श्री विजयोर भूतिर निर्मा, वहां विजय है, वहां ऐश्वर्य है, वहां सब कुछ है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसे डिवोटी बनो। तो कृष्णा अपने डिवोटीज के बारे में दो श्लोक में बता रहे हैं, और कृष्णा कह रहे हैं कभी भी डिवोटीज को उनके चरित्र से जज मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कभी कभी आपको भक्तों में गलत हैबिट्स भी नजर आएंगी, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके हृदय में झांक के देखो कि वो चाहता क्या है। इसलिए गरुड़ पुराण में भी लिखा है, कृष्णा कह रहे हैं कभी भी किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, कभी भी किसी व्यक्ति को पहचानना वो कैसा है, तो उसका बिहेवियर मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे, उसके हृदय में झांक के देखो कि उसकी चेष्टा क्या है, वो चाहता क्या है, उससे पता लगेगा, वरना कोई छुपा भी सकता है अपने आप को, नहीं छुपा लेगा, ऐसे होता है। जैसे ये होता है ना, जैसे लोग जब शादी करने जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, तो माता पिता बोलते हैं ना लड़की को, जो लड़की वाले होते हैं तो माता पिता लड़की को कहते हैं देखे तू मुंह मत खोलियो बस, है ना, ये कहते हैं ना, तो घूंघट करके आ जाओ बैठ जाओ, मुंह मत खोलियो, उनको पता है मुंह खोलेगी तो सब बंडा फूट जाएगा, शादी होगी नहीं। तो बस चुपचाप रही हो, बस नीचे देखती रही हो घूंघट करके, कुछ बोल मत दियो। तो अब चाल चलन तो वो धोखा हो जाएगा उसमें, तो बोल नहीं रही, इसलिए धोखा हो सकता है, इसलिए उसके हृदय में झांक के देखना होता है एग्जैक्टली वो चाहता क्या है, तब पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या है। सो आप डिवोटी इसको देखो, आप अगर वो केवल कृष्ण को चाहते हैं तो कैसे पता लगेगा, बात करके पता लग जाएगा, बस खत्म हो गया, वो डिवोटी। ओके, सो दैट्स हाउ कृष्णा डिफाइन्स हिज डिवोटीज। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, आई विल स्टॉप हियर। शरणागति के 6 अंग होते हैं ना, शरणागति क्या है, तो शरणागति के 6 अंग हैं, षडंग शरणागति। तो उन 6 अंगों में से एक अंग है आत्मसमर्पण। तो एक शास्त्र है अहिर्बुधनिया संहिता,
फेमस स्क्रिप्चर है, वेदों का भाग है, उसमें शरणागति की परिभाषा है। एक अंग आत्मसमर्पण है, बाकी पांच अंग और हैं। तो सिर्फ आत्मसमर्पण से पता नहीं लगेगा कि वो शरणागत है, बाकी पांचों चीजें भी होनी चाहिए। क्योंकि कोई कह सकता है मैं तो आत्मसमर्पण हूं, है नहीं वो तो, और वो खुद भी सोच सकता है मैं हूं, मगर हो सकता है वो उसको धोखा हो रहा है। जरूरी नहीं है, हाँ जो आत्मसमर्पण है जरूरी नहीं शरणागत हो। जो शरणागत है उसमें आत्मसमर्पण जरूर होगा, मगर पांच चीजें और होंगी। तो शरणागति क्या है किसी को पता है श्लोक? हम डिवोटीज हरी बोल क्या है? अनुकूल से संकल्प प्रति नहीं प्रातिकूल से, प्रातिकूल से उसके बाद आए हरि बोल बिना देखे रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपवृते वर्णम तथा चार आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडंग शरणागति। याद कर लो भाई, मतलब क्या मुझे पराचुर में कितने साल हो गए हैं? 10 साल तो हो गए, दामोदर कितने हो गए? 10 से यार आपको 10 साल में भी श्लोक याद नहीं हो, मतलब मुझ पे लानत है। और क्या लोग कहेंगे कैसे टीचर हैं यार, ये शरणागति तो सब्जेक्ट मैटर है भगवद्गीता का, वही तो मीन शरणागति एंड वहीं हो रही है ना, ये तो पता होना चाहिए। ओके सो क्या है शरणागति के पहला अंग है अनुकूल से संकल्प, मतलब शरणागति का एक अंग है जो शरणागत होगा उसमें ये लक्षण आ जाएगा। अनुकूल से संकल्प जो भी भक्ति के अनुकूल होगा वो ले लेगा इमीडिएट, उसमें हेजिटेट नहीं करेगा। भक्ति के अनुकूल कुछ भी होगा ले लेगा। भक्ति ठीक है, ओके क्या करना है भक्ति में बताइए प्रभु जी, ओके भगवान का नाम लेना है तैयार, कोई हेजिटेशन नहीं, और क्या करना है बताइए, भोग ला के खाना है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ले लेंगे। तो यहां जो भी अनुकूल है वो ले लेगा, वो हेजिटेट नहीं करेगा, उसको मैं रेडी हूं, उसको कहते हैं अनुकूल से संकल्प। मतलब ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, हेजिटेट नहीं करेगा। हेजिटेट समझते क्या होता है? हाँ खिचकिचाना, सॉरी खिचकिचाना क्या कह रहा हूं, हिचकिचाना, हिचकिचाना हाँ मतलब हिचकिचाएगा नहीं, हिचकिचाना समझते हो ना, हिचकिचा मतलब क्या शब्द समझते हो ना, हिचकिचा आगे पंजाबी पता नहीं क्या कहते हैं इसको, संगना संगना चलो संगना। सो उसको वो हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर है ना, शरणागत है, शरणागति मतलब लक्ष्य क्लियर है, भाई मुझे कृष्णा चाहिए, अब बताओ क्या करना है, रेडी हूं बस, आज से तैयार हूं बस, काम खत्म। मुझे बोला था जब मैं भक्ति में आया था मणिपाल में, मतलब उस मेडिकल स्टूडेंट था, तो मुझे एक डिवोटी मिले, तो कहते हैं कि भी कृष्णा जी, मुझे समझ आ गया था कृष्णा भक्ति करनी है, तो और मैंने कहा आप बताओ क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेना, मैंने कहा रेडी हूं लेना है बताओ, तो उन्होंने कहा माला पे लेनी है, मैंने कहा मैं आज से तैयार हूं। तो फिर उन्होंने, तो मैंने कहा कि तो आप बताओ कितनी माला करनी है, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो हम तो 16 माला करते हैं, आप एक दो माला से कर लो। मैंने कहा भाड़ में जाए एक दो माला, मैं हाथ से 16 माला करूँ, अब बोलो और बताओ क्या करना हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा बोलो आप बताओ सही, तो उन्होंने कहा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मैंने कहा वो भी उठ रहा हूँ, तो सरप्राइज होगा, उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है, मैंने कहा भाई अब जब 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 गोल बना लिया है तो फिर देरी क्या, नहीं जब लक्ष्य क्लियर है तो देरी क्या, फिर तो बस शुरू होते हैं ना, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। सो दैट्स उसको कहते हैं अनुकूल से संकल्प। दूसरा अंग है शरणागति का प्रातिकूल से वर्जनम, मतलब जो भी भक्ति में रुकावट है उसको वर्जनम, मतलब प्रतिकूल मतलब रुकावट, प्रतिकूल वर्जनम मतलब जो भी चीज रुकावट है भक्त उसी तरह उसको छोड़ देगा जिस तरह कोई व्यक्ति टॉयलेट में मल छोड़ के आता है। बस जाते हैं स्टूल करते हैं, सोचते भी नहीं बस, है नहीं ऐसा तो नहीं सोचते ना यार एक मिनट और रख लें, मेरे शरीर के तो पार्ट है यार, 2 मिनट और रख लेते हैं, कैसे मैं निकालूं, मैं मेरा ही तो है सब कुछ, नहीं वी डोंट थिंक लाइक दैट, नोबडी थिंक्स लाइक दैट,
बस हम जाते हैं और बस शॉर्ट हो जाता है, दैट्स ऑल। तो डिवोटी शरणागत भक्ति डिवोटी ऐसा, कोई भी उसको रुकावट देके भक्ति में वो उसी वक्त छोड़ देगा, नहीं सोचेगा वो, चाहे उसको कितनी प्रिय क्यों ना हो। दैट्स द पॉइंट, वो कैच है, चाहे कितनी प्रिय क्यों ना हो उसी वक्त छोड़ देगा। जैसे हम भक्ति में आते हैं, अभी हम बोलते हैं लहसुन प्याज छोड़ दो, तो कई लोग कहते हैं हाँ हम कैसे छोड़ेंगे लहसुन प्याज, जैसे मर जाएंगे उसके बिना, है नहीं। तो अगर कोई शरण में भक्त है, ठीक है छोड़ना है, ठीक है आज छोड़ दे, बोलो और क्या छोड़ना है, चाय छोड़ दो, ठीक है वो भी छोड़ दो, बोलो। कई कई लोग कहते हैं, कई लोग हम बोलते चाय छोड़ दो, कहते हैं प्रभु जी हम छोड़ने को तैयार है, बस एक प्रॉब्लम है टॉयलेट नहीं आती। कई लोग को चाय पी के टॉयलेट आती है, बताया आपको, सर में दर्द होता है, ऐसा भी होता है, दर्द होता रहता है। अब शरणागत भक्त क्या है भैया, सर फटे फटे जो भी हो भाड़ में जाए, मेरे ऑपरेशन के बीच में एक चाय आएगी, मतलब ये भक्ति है क्या है? एक चाय के लिए आप भगवान को छोड़ते हुए लोग कहां, सिद्धार्थ वो पूरा राज्य छोड़ के जा रहे हैं, महात्मा महान लोग, और आप एक एक कह रहे हो तो फिर क्या है ये, शरणागति है क्या है, ये तो नॉनसेंस है। तो छोड़ो, चलो इसको कहते हैं प्रातिकूलस से, जैसे निर्जल एकादशी है तो ठीक है, भगवान चाहते हैं हम पानी ना पिए, छोड़ दिया लोग, चलो जिन्होंने नहीं नहीं रखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर आप 100% शरणागत हो, ठीक है यार पानी छोड़ दो, मरोगे ना ज्यादा से ज्यादा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, किसके पास, हम मरोगे तो भी भगवान के पास चले गए अगर आपने भगवान के लिए मरे, और एक दिन पानी छोड़, हो सकता है डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन समझते ना, हो सकता है बेहोश हो जाए, हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से कार्डियक प्रॉब्लम हो जाए, कुछ पता नहीं भगवान जाने क्या हो जाए। सो ठीक है, हो जाएगा जो भी होगा देखा जाएगा, भाई जिसके लिए कर रहे हैं वो देखें क्या करना है हमारे साथ, हमने तो छोड़ दिया उन पर। और एक कहावत भी है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा, बस ये है, देख लेना। सो एक मिनट पूछ लेना, तो दो हो गए अंग, ये मेन है शरणागति में, ये दो प्रिंसिपल्स मेन है, दो, अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से, बस छोड़ते जाओ लेते रहो, भक्ति में सही है लेते जाओ, जो भक्ति में रुकावट है छोड़ते जाओ बस। अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, मगर एक चीज जरूर ध्यान रखना, अनुकूल लेने में हिचकिचाता नहीं, ये हेजिटेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, और प्रातिकूल प्रतिकूल छोड़ने में क्या करता है, सबसे प्रिय वस्तु भी छोड़ देगा अगर भक्ति के रास्ते में आ रहे। इंद्रदेव महाराज ने अपने 18 बच्चों को मरवा दिया, इतिहास में आता है, क्योंकि इंद्रदेव महाराज ने जगन्नाथ मंदिर बनवाया, हमें पता है हिस्ट्री में, और उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे लड़ेंगे बाद में मेरे बाद, कि इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इंद्र महाराज ने कहा कि भगवान ऐसे लड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और ये तो वैसे भी लायक ही नहीं है इस उत्तराधिकारी के बनने के लिए, तो उन्होंने अपने सिपाहियों से बोला जाके जाओ और नदी के पास लाके सबसे तो सारे 18 बच्चों का गला काट के नाले में फेंक देना, क्योंकि भगवान की बेइज्जती कराएंगे मेरे बाद, इतनी मुश्किल से मंदिर बनाया है, लड़ेंगे भगवान के लिए, खून खराब होगा, बेइज्जती होगी नहीं मंदिर की, इनको मरवा दो, और इनको मारने से पहले इनकी इसकी मां को मार देना, क्योंकि इसको बड़ा दुख होगा, इसलिए अपनी सारी रानियों को मरवा दिया उन्होंने और सारे बच्चों को। इसको क्या बोलते हैं, प्रातिकूलस्य वर्जनम्। यहां तक डिवोटी जा सकता है अगर उसको लगे भक्ति में रुकावट है, और ऐसा एक केस नहीं, ऐसे कई केस हो गए इतिहास में, इसको कहते हैं भक्ति। फाइन, फॉरगेट इट। ऑफ कोर्स आप लोगों को ऐसी नौबत नहीं आएगी, चिंता मत करो, आप लोग चाय छोड़ दो बहुत है, वो तो ठीक है, छोटी छोटी चीजें, तो भगवान ऐसी परीक्षा तो भगवान इंद्रदेव महाराज की लेते हैं, मतलब वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए, आइडियल, मतलब उनको देख के हमें लगेगा यार जब वो इतना कर सकते हैं हम इतना, ये चाय नहीं छोड़ सकते, लाना थे हम पे। चैतन्य महाप्रभु जब आसंगन में गए तो उनके बेटे भी डेथ हो गए, तब भी उन्होंने कहा था चुप कर आ गया, देख लो।
सो इसको कहते हैं अनुकूल संकल्प। ओके दो हो गए, तीसरा हो गया अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वास हो। एक डिवोटी जो शरणागत है उसको पूर्ण विश्वास है कि भगवान उसकी रक्षा, उसको इस पर डाउट नहीं है, भगवान जरूर रक्षा करेंगे अगर हम सिंसियरली भक्ति करते रहे। सिंसियरली क्या, अगर आप सिंसियरली भक्ति कर रहे हो तो भगवान जरूर रक्षा करेंगे आपकी, माया से भी रक्षा करेंगे, भगवान कभी भी हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं छोड़ोगे भगवान नहीं छोड़ेंगे। भगवान तो कह रहे तुम मेरा हाथ पकड़े रहो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रहूंगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शरणागति में महाविश्वास भगवान की रक्षा में। और भगवान फिर इसकी परीक्षा भी ले लेते हैं, भगवान कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स में डाल देंगे देखने के लिए कि आपको विश्वास है या नहीं है। जैसे द्रौपदी, द्रौपदी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो गई चीरहरण, और फाइनली फिर उसने किस पे विश्वास किया, गोविंदा आपको छोड़ रही भगवान आ गए। तो भगवान की रक्षा पे विश्वास करना। गोप्तवृत्ते वर्णम तथा, चौथा लक्षण है शरणागति का गोप्तवृत्ते वर्णम तथा, मतलब गोप्तवृत्ते मतलब मेंटेनर, भगवान को अपना मेंटेनर मानना। मेंटेनर समझते हो क्या कहते हैं, पालन, पालन करता, मतलब डिवोटी क्या है, डिवोटी शरणागत डिवोटी अपने जीवन को चलाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करता, जो मिल जाए थोड़ा बहुत काम करके ठीक है संतुष्ट है, दो वक्त की रोटी मिले घर मिल गया काफी है, अपनी सारी एनर्जी भगवान की सेवा में लगाए, वो अपनी एनर्जी और अपना टाइम भगवान के लिए रखता है। एक शरणागत व्यक्ति वो इस संसार में वेस्ट नहीं करता फालतू में एक सेकेंड भी, और जितने कम में काम चल जाए चल जाए, बस काम ही तो चलाना है, जीवन चलाना है ना, उससे ज्यादा क्या करना है। तो ये चौथा लक्षण है गोप्त, उसको पता है कि भगवान मेंटेनर है, भगवान मेरा पालन करेंगे, मुझे क्या चिंतन करनी है अपने लाइफ की, पालन करने की, खाने पीने की अरेंजमेंट करने की, मुझे तो केवल भगवान की सेवा पे फोकस करना है। कंपनी में भी ऐसी होता है नहीं, कंपनी वाले ये तो कहते हैं भाई तू बस हमारा, हमारे कंपनी को प्रॉफिट दिलवा, जॉब कर, हम तुझे तेरा फ्लैट देंगे, हम गाड़ी देंगे, हम लैपटॉप देंगे, तू चिंता मत कर, हम सारे पर्क्स देंगे तुझे, तू काम तो करके दिखा, तू ऑफिस में आएगा ऑफिस में भी तुझे जिम मिलेगा, खाना वाना सब मिलेगा, बफे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बस काम पे फोकस कर, यही है नहीं। तो एक एम्प्लॉय काम पे फोकस करता है किस विश्वास से, कि कंपनी मेरा पालन करेगी, वे पॉलिसीज बना देगी, सब कर देगी, सब हो जाए, वैसे ही शरणागत व्यक्ति है। हम भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान जरूर पालन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने पीने की, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जो है थोड़ा बहुत कर लो, भगवान अपने भक्तों को कभी भी उस तरह दुख नहीं मिलने देंगे जिस तरह ऑर्डिनरी लोगों कर्मों से मिलता है, इसलिए डिवोटी सारी एनर्जी भगवान की सेवा में लगाते हैं। चौथा पांचवा अंग है आत्मसमर्पण, आत्मनिक्षेप, ये पांचवा अंग है। एक डिवोटी शरणागत डिवोटी भगवान को आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण का मतलब अपना मन, अपना वचन और अपने कर्म, मनसा वचसा और कर्मणा, तीनों चीजें भगवान की सेवा में लगाता है, उसको कहते हैं आत्मसमर्पण। क्योंकि संस्कृत में आत्मा के तीनों मतलब होते हैं, आत्मा का मतलब शरीर भी होता है, आत्मा का मतलब मन भी होता है, और आत्मा का मतलब आपके शब्द भी हैं, क्योंकि आप वही हो जो आपके शब्द हैं। सो एक डिवोटी अपना शब्द जो भी बोलेगा भगवान के बारे में बोलेगा, जब भी मन, अब मन जो मन से जो भी सोचेगा भगवान के लिए सोचेगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, और जो भी करेगा भगवान की सेवा के लिए करेगा, वो आत्मसमर्पण हो गया। और छठा गए कार्पण्य, षड विद्या, षड अच्छी कार्पण्य, कार्पण्य मतलब, कार्पण्य मतलब दीनता। शरणागति का एक लक्षण है, छठा लक्षण है दीनता। डिवोटी क्या है, दीन है, दीन, दीन के दीन भक्त किसको कहते हैं, दीनता क्या होती है, दीनता क्या होती है, हाँ दीनता क्या है ये भी नहीं पता आपको, लोग कैसे ले जाते सर, क्या हो गया भाई, अहंकार क्या होता है ये बता दो, फिर पता लग जाएगा दीनता क्या है। अहंकार क्या है,
अहम करता अहम करोती इति अहंकार। अहंकार है कि मैं अपना जीवन अपने आइडिया से चलाऊंगा, मेरे आइडिया ठीक है, मैं ही करने वाला हूं, मतलब दैट्स ऑल पॉइंट। मैं किसी से एडवाइस नहीं लूंगा, नहीं मैं करने वाला हूं। पूछ लो, पूछना पूछना कुछ नहीं है भाई, मैं हूं बस, मेरा जो आइडिया ठीक है। भगवान से पूछ लो उनकी एडवाइस, इसको अहंकार कहते हैं। नहीं तो दीनता क्या हो गई, अब बता दो। दीनता वो है जो हमेशा भगवान के एडवाइस से चलता है, अपने विचारों से नहीं चलता, वो दीनता है। कृष्णा मैं कुछ भी नहीं हूं, यही है ना दीनता, मैं तो जीरो हूं, मैं मूर्ख हूं, अब आप मुझे बताइए क्या करना है, आप डायरेक्शन दीजिए। कृष्णा कह रहे हैं ठीक है, मेरे गीता में डायरेक्शन है, फॉलो करो, मेरे भक्तों से पूछ लो। तो वो दीनता हो गई, बस सिंपल हो गया। सो दीनता शरणागति का लक्षण है। सो ये छह लक्षण शरणागति, तब पूरा मिला के फिर शरणागति कहते हैं, ये गीता है। सो ये छह चीजें हैं, इसके अकॉर्डिंग गीता के चैप्टर्स डिवाइडेड है। तो फिर एक एक चीज भगवान सिखाते जाए। ओके सो अब आप लोग शरणागत डिवोटी बन चुके हो, अब जाके सो जाओ। That's how it goes. क्या कह रहे हो? I will finish this. आपने ये दिन बताए थे अपनी क्लास में कि जैसे संकल्प लेते रहे हम, तो अगर कृष्णा की सेवा के लिए संकल्प तोड़ना पड़े तो वो संकल्प टूटती नहीं है, आपने बताया क्या? तो जैसे हम लोग भी जैसे आज के दिन की जैसे सेवा होता है तो उसमें पानी पी लेते हैं, तो वो संकल्प टूटी है। निर्जल एकाशी पानी पी लोगे संकल्प टूट जाएगा आपका। तो सेवा की वजह से, सेवा जब बहुत ज्यादा हो रही है फिजिकल, चलो वो बात अलग है। अगर आप आश्रम में हो, आश्रम में काफी सेवाएं हैं और उसकी वजह से आपको पानी पीना पड़ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेवा के लिए आप संकल्प तोड़ रहे हो उसमें कोई खराबी नहीं है। अगर अपने भोग के लिए, आराम के लिए और वैसे तोड़ रहे हो तो खराबी है, समझ रहे हो? ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। ओके सो वील स्टॉप है। प्रसाद है सबके लिए क्या आज? है आज निर्जल एकादशी प्रसाद? अच्छा इंटरेस्टिंग। वैसे तो